दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि जो स्टूडेंट पार्ट वन और पार्ट थर्ड के एग्ज़ाम को लेकर परेशान है, तो दोस्तों आपको परेशान नहीं होना है। क्योंकि दोस्तों लगभग बहुत सारे स्टूडेंट अभी कमेंट कर रहे हैं, क्या कल से जो एग्ज़ाम होने वाली है क्या होगा या नहीं होगा, आप बताएं। तो दोस्तों मैंने आपको भी पहले वीडियो में बता दिया हूँ कि आप लोग का जो 26 अप्रैल से एग्ज़ाम होने वाला था वो स्थगित कर दिया गया है, रोक दिया गया है यूनिवर्सिटी की ओर से। जो नोटिफिकेशन आया था, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी की ओर से अपडेट दिया गया है कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वह 15 मई तक स्थगित रहेगा, इसके बाद भी आगे कोई नोटिस जारी किया जाएगा। वैसे दोस्तों अगर आप लोग अभी तक पार्ट वन और पार्ट थर्ड के स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं तो 30 रुपये शुल्क 30 अप्रैल के अंदर भर ले। और दोस्तों किसी भी स्टूडेंट को अपना जाति, पिता के नाम, माता के नाम, ओनली कैटेगरी और ऑनर्स पेपर छोड़ के अगर कोई स्टूडेंट पार्ट वन के स्टूडेंट अगर अपना पेपर चेंज करवाना चाहते हैं या किसी प्रकार की गलतियां हो चुकी है तो वो चेंज करवाना चाहते हैं, तो आप लोग अपने कॉलेज के स्तर से सुधार करवा सकते हैं। और आपका कॉलेज ओपन है, आपके कॉलेज में एडमिशन और साथ ही एग्जामिनेशन फॉर्म जमा हो रहा है, ओनली आप लोग को क्लास नहीं चल रहा है। और साथ ही दोस्तों ऑनलाइन क्लास आपको कैसे करना है आज के या कल के वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन दबा के रखिए। और साथ ही दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाए, क्योंकि वहाँ पर आपको सभी कॉलेज के माध्यम से जो भी रिलेटेड अपडेट आती है वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और साथ ही सिटी की ओर से जो भी आगे अपडेट आती है वो भी देखने को मिल जाएगा। वैसे दोस्तों आप लोग जान गए होंगे कि आप लोग का जो 26 अप्रैल से एग्जाम होने वाला था वो नहीं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले।